वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे, दिल्ली में भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, और इसके रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई है सोशल मीडिया पे। मगर क्या इस मूवी में हकीकत बताया गया है, रियल फैक्ट्स क्या है जो कश्मीर में हुए थे उस वक्त, और कितने एक्चुअल में लोग मारे गए थे। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्या हुआ था उस दौर में। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया पाकिस्तान और थर्ड पार्टी चाइना का रोल प्ले करते हैं। तो ये ट्रेजेडी की शुरुआत कैसे होती है, ढेर सारे आर्टिकल इन साइट्स में से लिया गया है और आपके आगे फैक्चुअल वीडियो को हम पेश कर रहे हैं। 1989 में एक इंसर्जेंस शुरू होती है कश्मीर में जो कि खिलाफ इंडियन गवर्नेंस के होती है, क्योंकि लोग कहते थे कि एक रिग्ड असेंबली इलेक्शन हुआ है 1987 में जिसकी वजह से ये फ्लडगेट्स खुले। मगर उस वक्त पे ऐसा कुछ बुरी हरकत नहीं हुई। कई सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से 1,40,000 कश्मीरी पंडित में से 1,00,000 तो जब ही माइग्रेट हो गए दूसरे डिफरेंट एरियाज में, और बाकी के कुछ चंद हफ्तों बाद फरवरी मार्च में 1990 में मूव ऑन हो गए। जो डिपार्चर कश्मीर हिंदू पंडित्स का हुआ था ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में कश्मीर साइड ऑफ द स्टोरी को जानने के लिए। INC का केरला यूनिट ये कहता है कि जितना नंबर कश्मीरी पंडित फेटलिटीज का बताया जा रहा है उससे ज्यादा मुस्लिम्स ने फेटलिटीज सफर किया था। टेररिस्ट ने पंडित को टारगेट किया था और इन 17 साल में 399 कश्मीरी पंडित अभी तक मारे गए, और मुसलमान तकरीबन 15,000 टिल डेट इन ही टेरर अटैक्स में मारे गए थे। रिटर्न ऑन INC ने ब्लेम किया है RSS और BJP को पंडित्स के माइग्रेशन के लिए, और कहा है कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जगमोहन, वो भी एक RSS का आदमी था, और सपोर्टेड किया गया था BJP VP सिंह गवर्नमेंट से। INC के हिसाब से BJP एक इंजीनियर कर रहा था हिंदू मुस्लिम डिवाइड कंट्री में राम मंदिर के इशू पे अयोध्या के दौरान। देखिए कश्मीरी फाइल्स में पता तो नहीं आप लोगों को क्या बताया गया है, मगर क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित इसके अंदर सफर हुए थे, दूसरे लोगों के बारे में उतना परफेक्टली बताया गया है? तो आइए ये एक्चुअल फैक्ट सुनिए आप लोग। पार्टीशन के बाद जम्मू रीजन में ढेर सारे मुसलमानों को मारा गया, कई सारों को तो वेस्ट पंजाब की तरफ ढकला गया। ये किलिंग्स एक्सट्रीमिस्ट के तरफ से हो रही थी, ये फोर्सेस हेडेड किए गए थे महाराजा हरि सिंह की वजह से, और एक्टिविटी सपोर्ट किया गया था RSS। RTI के रिपोर्ट के हिसाब से कश्मीरी पंडित्स की 89 कैजुअल्टीज बताई गई थी और दूसरे मजहब की तकरीबन 1600 डेथ्स बताई गई थी। तो ऑलरेडी जम्मू में ढेर सारे दूसरे मजहब पे भी लोगों पे अटैक हुआ और सफर किए, माइग्रेशन हुआ और किलिंग्स हुए। इसके ऊपर ना मूवी बनेगी ना आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक किस्म का कम्युनिज्म फॉर्म किया जा रहा है आजकल मूवीज को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही ये द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होती है इसके बाद बहुत ज्यादा कम्युनिज्म हेटर्ड शुरू होता है, एंटी मुस्लिम स्लोगन स्टार्ट होते हैं, एंटी कश्मीरी स्लोगन स्टार्ट होते हैं, और हमारे देश में एक एंटी माइनॉरिटी हेटर्ड शुरू हो जाती है सोशल मीडिया और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। जब मूवी खत्म होती है तो लोग डिफरेंट थिएटर्स में ठहर के एक ही चीज बोलते हैं कि एक जगह कहा जाता है कि हांस के मूवीज बॉयकॉट करो बॉलीवुड में, और दूसरी जगह जो बॉलीवुड के मूवीज को बॉयकॉट करना है वहां पे सिर्फ सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बस खानों के नाम लिए जाते हैं और बॉलीवुड को बॉयकॉट कहने को कहते हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ही नॉट इवन एलियंस वन सलमान खान एंड सपोर्टेड द बॉलीवुड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल ऑल, each one of person, I'm specially requesting you people, I also want please, to say something about please दूसरों का किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ खान्स का स्पेसिफिकली नाम लेके बॉयकॉट बॉलीवुड को कहा जाता है। तो आप लोग देखिए जो मूवी है वो बहुत भारी इन्फ्लुएंस करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल जेलेंस्की बस एक कॉमेडियन था, लेटर ऑन वो मूवीज बनाना शुरू किया
और जैसा ही वो प्रेसिडेंट के लिए ठहर रहा था, उससे तकरीबन एक साल या दो साल पहले वो एक मूवी बनाता है जिधर टीचर रहता है और दूसरे दिन वो प्रेसिडेंट बन जाता है और एंटी करप्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते रहता है और लड़ते लड़ते वो इंसाफ फैला देता है उसके पूरे कंट्री में जो कि है यूक्रेन। आपको पता है ज़ेलेंस्की का ये मूवी के बाद कितना वोट आउट रहा एक इलेक्शन परसेंटेज का? 72%। एक मूवी लिटरली माइंड कंट्रोल करती है पूरे लोगों का, क्योंकि लोग इतना घुस जाते हैं एक मूवी में, वो लोग खुद को इमेजिन करते हैं वो कैरेक्टर्स की जगह। तो वही सेम चीज यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स ने किया और बस वन साइड ऑफ द स्टोरी को बताया गया है। तो दोस्तों देखो, ऐसे ढेर सारी चीजें आपके आगे रोज आते जाएंगे। एजुकेशन पे अपने तवज्जो दे, अपने पर्सनल लाइफ को भी बिल्डअप करने पे तवज्जो दे, क्योंकि हर चीज कोई ना कोई पॉलिटिकली बैक्ड अप होती है। अब आप लोग बोलेंगे हाँ भाई, पढ़ लिख के बैठे हुए जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए क्या करना? तो दोस्तों देखो, अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे या कोई भी दूसरी चीज, तो आप स्टार्टअप्स में अप्लाई करो, क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है, ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है आपको, आप फाउंडर्स और सीईओस के साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, आपकी करियर बोरिंग नहीं रही और आपका करियर ग्रोथ भी फास्ट रहता है। स्टार्टअप्स में अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो हायरेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो परफेक्टली आपको मदद कर सकता है। हायरेक पर 60,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप इन स्टार्टअप्स के डायरेक्ट फाउंडर्स और सीईओ के साथ बात कर सकते हैं। बीच में कोई कंसल्टेंसी वाली सीन नहीं है, आपको बस कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक होगी हायरेक की, हायरेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देना है, अपनी प्रोफाइल फुलफिल करने के बाद उसका एआई आपको रिक्रूटर्स के साथ मैच करवाएगा और वहां पे आप अपनी जॉब पा सकते हो। और एक स्पेशल बात, हायरेक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी रिक्रूटर को नहीं देगा अनलेस एंड अंटिल आप उन्हें परमिशन देते हो। तो है ना बढ़िया बात, जल्दी जाओ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करो और एंजॉय करो अपनी स्टार्टअप वाली लाइफ। तो देखो, कश्मीरी पंडित्स की ट्रेजेडी जो हुई थी वो बेशक गलत है, इनोसेंट किलिंग्स बहुत गलत बात है और कोई भी मजहब इसे सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम भी ये कहता है कि टू किल एन इनोसेंट पर्सन इज टू किल द होल मैनकाइंड। जब द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनाई जाती है, ढेर सारा इसके ऊपर पीआर टीम काम करती है, थिएटर्स में लेके जाके कैमरास लोगों को फिल्माते, उनके इमोशंस को, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, खान्स को बॉयकॉट करने को कहते हैं और ढेर सारा एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी हेट दिखाया जाता है आफ्टर मैथ में। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो सतर्क हो जाए और ये इनसे दूरी बनाए रखे, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है, आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। क्या दूसरे जेनोसाइड्स नहीं हुए इंडिया में? दूसरे जेनोसाइड्स में तो हजारों लाखों लोग मरे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले ले हैदराबाद मास्कर 1948 का, जिधर मास किलिंग्स हुई थी मुस्लिम सिविलियंस की और इसका नाम है ऑपरेशन पोलो। डेथ के रिजल्ट्स 27,000 से लेकर 40,000 सिविलियंस के हुए थे, मस्जिदों को डिस्क्रिशन किया गया था, मास किलिंग्स हुए थे, सीजर्स हुए थे जमीनों के, हाउसेस के, मुस्लिम शॉप्स को जलाया गया, लूटा गया और मुस्लिम औरतों के साथ बहुत बुरी हरकतें हुई थी। ये हैदराबाद मास्कर में आता है जो कि 1948 की ऑपरेशन पोलो की किलिंग। गुजरात रायट्स 2002, ये वन ऑफ द डेडलीस्ट सिंगल इंसिडेंट था जिसमें तकरीबन हजारों से ज्यादा लोग मर गए थे। फरवरी 27, 2002 को जिधर एक ट्रेन को जलाया जाता है गुजरात स्टेशन गोधरा पे, जिसमें तकरीबन 59 हिंदू पिलग्रिम्स जिंदा जलाए गए थे। इसका पूरा ब्लेम मुस्लिम पर डाला गया था और फ्यूरियस हिंदू मॉब्स ने मुस्लिम नेबरहुड्स को मारा, सेवरल सिटीज को जलाया और तकरीबन 3 दिन तक ब्लडशेड हुआ था। ये वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप लोग को तो मालूम है कि गुजरात राइट्स हुए वह कौन पावर में थे, कौन सीट पर बैठे हुए थे, कौन सीएम थे, तो इसमें ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को तो हिस्ट्री पता है। मगर यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित्स वाली ट्रेजेडी नहीं हुई इंडिया में, दूसरे भी चीज़ें हुई, क्यों इसे कवर नहीं किया जाता? कश्मीरी पंडित्स के साथ जो किया गया वो बिल्कुल गलत है, मगर वन साइड ऑफ द स्टोरी बताकर दूसरे को ब्लाइंड आई टर्न करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 10-20-30 साल पहले वाली चीज़ को आज आप लोगों को बताएंगे तो लोग जो उस वक्त में पैदा भी नहीं हुए थे, आज वो इस मूवी को देख के दूसरे मजहब्स को ऐसा देखेंगे कि ये मेरा दुश्मन है। ये तरीका बन गया है आजकल आईटी सेल का और उनके एक्टिविटीज का। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अबाउट द कश्मीरी पंडित्स एंड इट्स रियलिटी और द कश्मीर फाइल्स मूवी क्या खेलता है लोगों के दिमागों के साथ और उसका आफ्टर मैथ क्या होता है, ये हम आपको आगे रखना चाह रहे थे। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, जिधर भी आप इसे देख रहे हो। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को एक्चुअल हक बताएं कि असल में ये सीन है क्या
और क्या वन साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाती है। दोस्तों शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी स्टार्टअप वाली लाइफ शुरू करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर लीजिए, हायरेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिस पर 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है और यहाँ पे आप CEOs और फाउंडर से डायरेक्टली बात कर सकते हो बिना कोई कंसल्टेशन के। तो रोके क्यों, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी हायरेक एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपनी करियर बिल्ड करो। तो दोस्तों फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।